हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस की। टेम्पलेट इनहेरिटेंस किस तरह से यूज़ किया जाता है जेंगो में, तो वो मैं आपको ये वीडियो में सिखाऊंगा। तो पिछली वीडियो में हमने स्टैटिक फोल्डर में सारे जो टेम्पलेट की CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, जो सारी चीज़ें थी वो हमने स्टैटिक फोल्डर में रख ली थी, और इसकी सेटिंग्स भी हमने settings.py में की थी। फिर हमने इंडेक्स फाइल और बेस फाइल को क्रिएट किया था। तो सबसे पहले तो बेस फाइल में हम रखेंगे क्या, तो बेस फाइल में हम क्या रखेंगे, तो बेस फाइल में हम ये जो फुटर, ये जो हेडर है और ये जो फुटर है, यहाँ पर नीचे की और ये फुटर है, वो सारे पेज में कॉमन चीज़ें हैं। तो हम इसके लिए टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। हम सारे वीडियो में ये बेस फाइल को एक्सटेंड कराएंगे। तो जो फाइल में हम ये बेस फाइल को एक्सटेंड कराएंगे, वो फाइल में हेडर और फुटर अपने आप आ जाएगा। हेडर, फुटर और जो जो CSS और जावास्क्रिप्ट के सारे लिंक्स है, लिंक हमने दी हुई है, वो अपने आप स्टैटिक फोल्डर से लोड होगी। तो चलिए उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इंडेक्स फाइल है, तो ये इंडेक्स फाइल को मैं सबसे पहले तो Notepad++ में ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी बेस फाइल है, और इसकी ये जो ऊपर की और हमें बॉडी तक इसको कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी किया और ये बेस फाइल में जाके उसको कर दिया पेस्ट। फिर नीचे की और जावास्क्रिप्ट होगी, तो ये नीचे की और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जावास्क्रिप्ट को हमने ले लिया और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर हम ये स्टैटिक फोल्डर से CSS और जावास्क्रिप्ट को लाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर वो जो स्टैटिक फोल्डर है उसको लोड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लोड स्टैटिक, लोड स्टैटिक। अब ये जो सारी लिंक्स है उसको हमें बताना पड़ेगा कि ये लिंक किस फोल्डर से आ रही है। तो ये आ रही है स्टैटिक फोल्डर से, और इसको इस तरीके से हमें एंड कर लेना है। मैं ये सारे लिंक्स को इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो नीचे की ओर आपको जावास्क्रिप्ट में भी इस तरीके से कर लेना है। अब इसको एंड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंगल कोट, परसेंट टाइ और ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से सभी लिंक्स के आगे हम उसको क्लोज कर लेंगे। ओके, तो ये सारी लिंक्स के हमने सेटिंग्स कर ली। ये स्टैटिक फोल्डर से सारी CSS और जावास्क्रिप्ट सारे स्टैटिक फोल्डर से आ रही है। अब हमें यहाँ पर हेडर और फुटर को लाना है, क्योंकि हेडर और फुटर का यूज़ हम बार बार करते हैं, सारे पेज में हेडर और फुटर आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रीलोडर को भी लेना पड़ेगा, ये प्रीलोडर है, तो ये प्रीलोडर भी हमें चाहिए। फिर यहाँ से आपको हेडर को कॉपी करना है, जहाँ पर हेडर क्लोज होता है वहाँ तक आपको कॉपी कर देना है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर उसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पर कुछ आपको स्पेस रखनी है, स्पेस रख के फिर आपको यहाँ पर फुटर को भी कॉपी कर लेना है। तो ये सोशल आइकॉन्स है और ये फुटर मेनू बार है और लोगो। तो यहाँ पर फुटर स्टार्ट होता है, तो यहाँ तक की सारी चीज़ें हमें कॉपी करनी है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देनी है। और यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि बॉडी में कोई जावास्क्रिप्ट की कोई आईडी तो नहीं दी। ओके, तो यहाँ पर कोई आईडी नहीं दी हुई है। तो अब मैं इसको सेव करके अगर बेस फाइल को ओपन करता हूँ तो मुझे हेडर और फुटर मिलना चाहिए। तो ये रहा हमारा बेस फाइल, और यहाँ पर ये जो CSS है वो लोड नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर सेटिंग्स में कुछ दिक्कत आ रही है। स्टैटिक फाइल्स DIR, एक बार सर्वर को स्टॉप करके फिर से हम स्टार्ट करेंगे।
तो ये कुछ कुछ सी एस एस हमें मिल रही है, पर कुछ सी एस एस है जो वो लोड नहीं हो रही है, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं बेस फाइल में कि उसकी जो हमने सेटिंग्स करी थी उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटिक सी एस एस, ओके, ये तो ये 2 बार हो गया था तो इसलिए वो नहीं आ रहा था। ओके, तो ये कुछ आ रहा है, अभी भी कुछ सी एस एस मिसिंग है तो उसको भी हम चेक कर लेंगे। ये यहाँ पर एंड होता है यहाँ पर। ओके, जावास्क्रिप्ट को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। कोई तो सी एस एस है जो रह गई है इसलिए हमें ये सब मिल नहीं रहा था। ओके, तो आपको एक बार इस तरीके से अगर नहीं आता तो ये जो रिफ्रेश वाला जो बटन है वहाँ पर आपको शिफ्ट दबा के क्लिक करना है, तो यहाँ पर हार्ड रिफ्रेश होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी सी एस एस और जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो यहाँ पर लोगो है तो लोगो भी हमें लाना पड़ेगा, तो चलिए लोगो को भी ला लेंगे स्टैटिक फोल्डर से। स्टैटिक इमेजेस, तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, अब हम इसको चेक करेंगे तो हमारा जो लोगो है वो आना चाहिए। ओके, तो ये लोगो आ गया। अब यहाँ पर मोबाइल व्यू का भी लोगो होगा तो उसको भी हम लाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ही होगा। कोई बात नहीं, हम उसको अगर हमें बाद में उसकी हमें मिल जाता है तो हम लाएंगे। अभी के लिए ये डेस्कटॉप व्यू। अब हम यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जेंगो में टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज़ किया जाता है। तो बेस फाइल में हमने रखा है हेडर और फुटर, और हेडर और फुटर के बीच में हमने कुछ स्पेस दी थी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है परसेंट है ब्लॉक बॉडी या ब्लॉक कंटेंट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉक कंटेंट और इसको आपको कर देना है एंड ब्लॉक। फिर आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है। जो भी चीज़ें आप इसके बीच में लिखोगे वो यहाँ पर हेडर और फुटर के बीच में सारा कंटेंट आ जाएगा। तो इसको मैंने किया कॉपी और ये इंडेक्स पेज में इसको हम यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने से पहले हमें जो हमारी बेस फाइल थी उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करने के लिए आपको लिखना है EXTEND एक्सटेंड्स हमारी बेस फाइल। तो हमारी बेस फाइल थी मेन फोल्डर के अंदर थी, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मेन स्लैश बेस डॉट HTML। तो इसको एक लाइन का कोड लिख के अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इंडेक्स फाइल को तो यहाँ पर हेडर और फुटर मिलना चाहिए। तो एक लाइन से मेरी जो सारी बेस डॉट HTML वाली फाइल थी वो यहाँ पर एक्सटेंड हो गई। अब ये जो ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक है उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और ये ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक के बीच में जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो यहाँ पर हेडर और फुटर के बीच में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें हेडर है और फुटर है, और यहाँ पर इंडेक्स फाइल में हेडर और फुटर के बीच का सारा जो कंटेंट है उसको यहाँ से कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। ओके, नीचे की ओर होगा फुटर। ये सारा कोड आपको कॉपी करना है और ये जो ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक के बीच में आपको पेस्ट कर देना है। तो ये सारा कंटेंट हेडर और फुटर के बीच में आ जाएगा। तो ये सारी जो पोस्ट है वो सारी इसके बीच में आ गई अभी के लिए। और वैसे तो ये इस तरीके से दिखता है, पर अभी ये जो इमेज है उसको हमने लोड नहीं कराया स्टेटिक फोल्डर से, तो इसलिए ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है।
तो हम उसको बाद में फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पोस्टर को लाना पड़ेगा। पोस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका यूज़ करेंगे। थ्री वेज, ओके, तो ये सिंगल ब्लॉक है, हम होम में जाएंगे। तो इस तरीके का जो इंडेक्स पेज हमें इस तरीके का टेम्पलेट में इंडेक्स पेज है, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है, पर यहाँ पर इमेजेस सेफ नहीं है। तो अगली वीडियो से हम ये इंडेक्स पेज पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।